नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भोजपुरी की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर है दोस्तों भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे स्टारर भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की तरफ से। इस फिल्म ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे तोड़ना इतना जल्दी मुमकिन नहीं है दोस्तों। इस फिल्म को एक सप्ताह में 18 मिलियन यानी कि 1,80,00,000 से भी ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है दोस्तों। अभी तक यह रिकॉर्ड किसी भी भोजपुरी फिल्म या गाने ने नहीं बनाया है दोस्तों, जो कि निरहुआ हिंदुस्तानी 3 फिल्म ने एक सप्ताह में कर दिखाया है। दूसरी खबर है दोस्तों भोजपुरी के सिंगर और एक्टर प्रमोद प्रेमी यादव जी की तरफ से, जिनका चैता वीडियो गाना जिसका नाम है ओढ़नी में दगिया फुल वीडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसे आप लोग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तीसरी खबर है दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से, जिनकी फिल्म क्रेक फाइटर अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है और यह फिल्म दूसरे सप्ताह में भी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है दोस्तों। दर्शकों के बेशुमार प्यार को देखते हुए पवन सिंह ने अपने दर्शकों को सरप्राइज भी दिया है दोस्तों। पवन सिंह ने सोमवार को 3 बजे वाला शो बिना सिनेमाघर पटना में दर्शकों के साथ बैठकर फिल्म को देखे और उसके बाद मंगलवार को भी पवन सिंह और लुलिया ने सपना सिनेमाघर आरा में नून शो देखा और उसके बाद डिलाइट सिनेमाघर में डोहरी में मैटनी शो भी दर्शकों के साथ बैठकर देखे, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। चौथी खबर है दोस्तों भोजपुरी की सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका जी की तरफ से, जिनका एक ऑडियो गाना जिसका नाम है फेंकता गर्मी से सियाही फुल ऑडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसे आप लोग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। पांचवी खबर है दोस्तों भोजपुरी के सिंगर रितेश पांडे जी की तरफ से, जिनका साइड वीडियो गाना जिसका नाम है जनाजा मेरा यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसे आप लोग रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। छठवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव जी की तरफ से, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया है दोस्तों। बीजेपी ज्वाइन करते ही दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिला पुलिस से मंगलवार को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। शासन से निर्देश मिलते ही सुरक्षा दल मंगलवार की दोपहर निरहुआ को सुरक्षा देने बनारस रवाना हो गया, क्योंकि दिनेश लाल यादव अपनी आने वाली फिल्म ठीक है की शूटिंग इस समय बनारस में कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वाई श्रेणी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इसमें 11 जवानों का एक सुरक्षा कवच होता है और जिसमें एक या दो कमांडो और पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। सातवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी की सिंगर सोना सिंह की तरफ से, जिनका लहरदार चैता ऑडियो गाना जिसका नाम है नाही हुई कटनिया बलम फुल ऑडियो गाना यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसे आप लोग टीम फिल्मर भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। आठवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के सिंगर चंदन चंचल जी की तरफ से, जिनका इस साल का चैता ऑडियो गाना जिसका नाम है मिले आ जाइए है पीछे खरियानवा के फुल ऑडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप लोग टीम फिल्मर भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं दोस्तों। नौवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के सिंगर अजीत आनंद जी की तरफ से, जिनका एक ऑडियो गाना जिसका नाम है उतर चलक कन्या फुल ऑडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसे आप लोग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आज की ताजा खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसी तरह की चटपटी खबरों की डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।